आज मैं फिर से आपके लिए एक मंचिंग क्वेश्चन लाया हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा इस मंच की। आज मैं आपसे बात करूंगा ऐसे ही किसी एक मंच से। आज मैं आपसे बात करूंगा एक मनचले क्वेश्चन की। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा परसेंटेज की। यकीन मानो जीनियस बच्चों, अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा पूरे डेडिकेशन के साथ देख लिया तो बस यूं समझ लो आपने एक नहीं बल्कि 100 क्वेश्चंस बना लिया। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सुनिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ऐसा करते हैं, इन मंच को मैं साइड कर देता हूं। अब देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आप देख सकते हो ये जो मंच है इसमें आपको 25% फ्री मिल रहा है, यानी कि जो भी मिलना था उससे 25% ज्यादा और मिल रहा है। वैसे मंच में कुछ परसेंटेज एरर है, उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसे भी जाकर के विजिट कर सकते हो या फिर मुझसे डिमांड उसकी कर सकते हो। तो देखो आज का सवाल ये है कि इस मंच में आपको जो 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं आपको ये मंच दूं और फिर ये कहूं कि ये जो 25% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है बस वो वाला हिस्सा मुझे आप लौटा दो, तो आपको ये बताना है कि इस मंच का कितना हिस्सा मुझे आप लौटाओगे। आपके पास ऑप्शन है, आप वहां देख सकते हो, मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। 1/2 यानी कि इसका आधा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक हिस्सा मुझे दे दोगे। 1/3 यानी कि तीन बराबर पार्ट्स में डिवाइड करोगे और एक मुझे दे दोगे। उसके बाद है 1/4 और सिमिलरली आप देख सकते हो नीचे 1/5 है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। अभी आप वीडियो को रोको, थोड़ा से सोचो और जितनी जल्दी हो सकता है किसी भी तरीके से मुझे रिप्लाई करके आप बता दो। डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप वीडियो किस मंच के थ्रू आप देख रहे हो, मतलब कि जहां कहीं भी आप देख रहे हो, आप अगर पॉसिबल है तो कमेंट के जरिए या किसी भी तरीके से मुझे आंसर आप बता दो। तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। अब आप में से मैक्सिमम लोग जो थर्ड ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट किया होगा, 1/4 यानी कि इस मंच को चार बराबर भागों में बांटो और उसमें से एक हिस्सा आप मुझे दे दो। अगर आपने ये आंसर सोच रखा था तो बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ ये कहना चाहूंगा कि आप गलत हो। तो फिर सवाल है इसमें से सही आंसर क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं, इन ऑप्शंस को इस तरफ चलिए शिफ्ट कर देते हैं और मैं आपको इस तरफ बताता हूं कि सही आंसर क्या होगा। अब इसके लिए सबसे पहले इसको देखो, मैंने यहां रखा राइट, इसकी जो कुछ भी लेंथ है, चलिए इसे कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मानते हैं यहां से लेकर के यहां तक इतनी लंबी ये मंच है राइट ना। इसका मैं नाम दे देता हूं, क्या दे दूं, चलिए फुल लेंथ कर देता हूं ठीक है, या फुल मंच कर देता हूं। एफएम का मतलब यहां है फुल मंच, पूरा मंच राइट ना। अब चाहो तो इसे वाई भी कंसीडर कर सकते हो, इसमें तो खैर कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब चाहो तो वाई कंसीडर कर लो। फुल मंच जब लिखूंगा तो शायद बातें आपको थोड़ी बेहतर समझ में आएगी, इसलिए मैंने फुल मंच लिखा राइट। अब ये कंसीडर कर लो कि इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मिला होगा, मुझे नहीं मालूम, शायद इतना। तो अगर इतना फ्री मिला है तो ऑब्वियसली इतना आपको मिलना चाहिए था, यानी कि अगर एक्स्ट्रा नहीं मिलता तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ना इतना ठीक है, ये हमें ओरिजिनल में मिलना चाहिए था और ये वाला हिस्सा जाहिर सी बात है फ्री हमें मिला, तो इस वैल्यू को मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूं। इस लेंथ को मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं पूछूं कि कितना आपको एक्स्ट्रा मिला या फ्री मिला, तो जाहिर सी बात है वो ये वाला लेंथ होगा राइट ना, यहां से लेकर के यहां तक होगा जो कि वाई माइनस एक्स होगा, या फिर आप बोल सकते हो फुल लेंथ माइनस एक्स होगा। ये बात तो बिल्कुल पानी की तरह आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जरा देखो कितनी आसानी से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसा कि मैंने इस वाले लेंथ को एक्स कंसीडर किया है, इस पॉइंट पे बिल्कुल भी आप मत घबराइएगा जो मैं आगे बताने वाला हूं। देखो इसके लेंथ को मैंने एक्स कंसीडर किया, अब जाहिर सी बात है इसमें ही ना 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसमें जब मैं 25% ऑफ एक्स को ऐड करूंगा तो क्या ये वैल्यू फुल मंच के बराबर आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, यहां आप फुल मंच लिखना चाहोगे या वाई लिखना चाहोगे, ये तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। चलिए खैर इसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, 25% का मतलब 1/4 एक्स हो जाएगा, ये वाला एक्स मैंने लिखा और यहां मैं फुल मंच ही लिखता हूं राइट। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो जाहिर सी बात है ये 5x/4 इज इक्वल टू फुल मंच। और इस तरीके से आपने देखा, थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज आप कर लेना जैसे कि इंप्लॉयज दैट वगैरह, ये सब आप खुद दे देना। चलिए मैं दे ही देता हूं, x इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा ये बताइए, 4 इंटू फुल मंच यानी कि 4 फुल मंच
by 5 ये हो जाएगा क्या? चलिए ये x की वैल्यू है और x से क्या मतलब है ये बात आप समझ रहे हो ना, x से मतलब जाहिर सी बात है इस वाले लेंथ से है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ से है। अब देखिए आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, चलिए ये वाला काम मैं यहां करके आपको शो कर देता हूं। तो अगर फुल लेंथ से यानी कि y माइनस x जो होगा वही तो आपको फ्री वाला पोर्शन देगा ना, तो y माइनस x कर लीजिए। अब देखो जो कुछ भी मैंने बताया उस चीज को आप यहां लिख लो, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है y माइनस एक्स। तो यहां मैं कुछ ऐसे सिंबॉलिकली लिखता हूं कि जो फ्री मिला है तो एक्स्ट्रा के लिए ये लिख रहा हूं, दैट इज y माइनस एक्स, राइट ना। तो y को आप फुल मंच लिखो या y लिखो, जो कुछ भी आप चाहो लिख सकते हो। तो मैं देखो यहां लिखता हूं फुल मंच माइनस x, x के बदले क्या लिख दूं, 4 फुल मंच, तो लिख देता हूं 4 फुल मंच बाय 5। बस इसे आप सिंपलीफाई कर लीजिए, राइट ना। सिंपलीफाई आप कैसे करोगे, तो 5 फुल मंच माइनस 4 फुल मंच डिवाइडेड बाय 5, जो अल्टीमेटली आपको दे रहा होगा 1 फुल मंच डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है, जो पूरा मंच है इस पूरे मंच को आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उसमें से एक पार्ट आपको रिटर्न करना है जो 25% होगा। किसका, जो एक्स्ट्रा था उसका, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां बिल्कुल भी मत घबराइएगा, 25% ऑफ दिस मंच ये एक अलग सवाल है। मैं अगर पूछूं कि ये जो मंच है ना, जो भी ये मंच की लेंथ है, इसका 25% अभी आप मुझे दो, तो डेफिनेटली इसको 4 बराबर भागों में बांटोगे और एक हिस्सा आप मुझे दोगे। लेकिन मैंने यहां सवाल कुछ और पूछा है, मैंने ये पूछा है कि जो आपको एक्स्ट्रा मिला है वो वाला एक्स्ट्रा दो, मैंने इस मंच का 25% नहीं मांगा है। इन दोनों सवाल में काफी बड़ा फर्क है, और जहां एक तरफ आंसर आ रहा है 1/4, वही दूसरी ओर जो सवाल मैंने पूछा है उसका आंसर आएगा 1/5। तो आपने देखा सही जवाब होगा 1/5, यानी कि आखिरी वाला, फोर्थ वाला सही जवाब है। ये आपको करेक्ट आंसर के तौर पे लिखना था। अगर आपने इस वीडियो को पूरा पूरे डेडिकेशन के साथ देखा है तो एक बड़ा कंसेप्ट आपने क्लियर अब तक कर लिया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।